तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां देश में बढ़ रहे कोरोना को लेकर अब उत्तर प्रदेश में भी कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट हो गई। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है, कोविड की तैयारियों का जायजा लिया गया है और प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी, तो कोविड को लेकर हमारी तैयारियां पूरी है, ऐसा कहना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां देश में बढ़ रहे कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है, कोविड की तैयारियों का जायजा लिया गया है और प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है। तो कोविड को लेकर उनका कहना है कि हमारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और प्रदेश में कोरोना को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, अगर बात करें तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोविड जो है वो फैल रहा है और इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि सभी राज्य जो है वो कोविड को लेकर अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो कि एक बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश में भी कोविड को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से चीन और जापान अमेरिका तमाम जो बड़े देश हैं कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन BF7 है उसने एक बार फिर से भारत में चिंता बढ़ा दी, जिसको देखते हुए लगातार देश के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की, उसके बाद तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं थी उसको लेकर जो है सभी को दिशा निर्देश दिए, सभी राज्यों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उनके पास स्वास्थ्य विभाग भी उन्हीं के पास है, तो साथ ही कह सकते हैं कि आज जिस तरीके से ब्रजेश पाठक ने यहाँ पर जो है राम मनोहर लोहिया जो अस्पताल है या फिर जो सिविल हॉस्पिटल है या फिर जो बलरामपुर हॉस्पिटल, अभी कुछ सुबह ही पहुंचे थे यहाँ पर, तो और मॉक ड्रिल किया, वहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया कि किस तरीके से अगर परिस्थितियां गंभीर होती है तो उनके इलाज के लिए लोगों को किस तरीके से यहाँ से वेंटिलेटर की आपने बात करें, चाहे जो ऑक्सीजन की बात करें या तो फिर जो वहाँ पर स्टाफ मौजूद है, डॉक्टरों की टीम है, इस तरीके की तमाम जो व्यवस्थाएं थी उसको लेकर आज ब्रजेश पाठक जो है बलरामपुर हॉस्पिटल पहुंचे थे, तमाम उन डॉक्टरों से सीएमएस से मुलाकात की और व्यवस्थाओं को जाना कि अगर परिस्थिति अगर आने वाले समय में अगर कोविड के जो मामले हैं अगर बढ़ते हैं तो उनकी किस तरीके की तैयारियां है, चाहे बेड की बात करें चाहे ऑक्सीजन की बात करें। आपने सेकेंड वेव में देखा होगा कि लगातार जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी के चलते तमाम जाने गए थे, तो वैसी स्थिति दोबारा ना दोहराई जाए इसको लेकर आज जिस तरीके से ब्रजेश पाठक जो है तमाम अस्पतालों का जो है वहां पर दौरा कर रहे हैं, मॉक ड्रिल कर रहे हैं ताकि जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुनिश्चित की जा सके। अवनीश, अगर बात करें तो अगर सरकार देखे तो अपने स्तर पर सभी तरह की तैयारी कर रही है, चाहे वो बेड की बात हो या वेंटिलेटर की बात हो, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है और ये लोगों को अपने स्तर पर ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना जो है वो फैलने वाली बीमारी है, व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इजली पहुँच जाता है। ऐसे में लोगों को भी कहीं ना कहीं सतर्क रहने की ज़रूरत है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएँ तो मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजेशन करें। इसके अलावा बूस्टर डोज को लेकर किस तरह की तैयारी है उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये सही बात है कि जिस तरह लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि जो नया वेरिएंट BF7 उसने चिंता बढ़ा रखी है, तो इसको देखते हुए अगर बूस्टर डोज की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3-9 की बैठक में साफ कर चुके हैं कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, साथ ही जो युवा है या फिर बुजुर्ग है उनको बूस्टर डोज देने के लिए और लोगों को जागरूक करने की बात कही। तो हमने कुछ ही दिन पहले सिविल हॉस्पिटल से जब हमने इसका जो है मतलब चलाई थी तो अपने साफ तौर पर देखा था कि लोगों में जागरूकता है, कहीं ना कहीं बूस्टर डोज को लेकर भारी संख्या में लोग अस्पतालों में पहुंच रहे हैं बूस्टर डोज लगवाने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जो है उस बैठक को कर जो है स्वास्थ्य विभागों को मौजूद करने के लिए तमाम दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि ताकि मास्क और सैनिटाइजर जो है अनिवार्य कर दिया गया है, अस्पतालों में बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी, चाहे KGMU की बात करें या फिर मेडिकल कॉलेज की बात करें या सिविल हॉस्पिटल की बात करें, तमाम जो लखनऊ में जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर अनिवार्य कर दिया गया है कि बिना मास्क के लोग अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर लोगों की बात करें तो लोग बेपरवाह
जो है जिस तरीके से आपने क्रिसमस डे पर देखा होगा कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर घूमने टहलने के लिए निकल रहे थे, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है कि बिना मास्क के भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से परहेज करें। लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाही है, अगर आने वाले समय में अगर परिस्थिति अगर गंभीर होती है तो जो लापरवाही लोगों की है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है, परिस्थितियां गंभीर हो सकती है आने वाले समय में। अवनीश, अगर बात करें तो कोरोना जो है वो तेजी से फैल रहा है, ऐसे में आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं कि नया साल भी आने वाला है और हम देखते हैं कि नए साल पर जो लोग हैं वो पार्टियां भी करते हैं और काफी संख्या में प्रोग्राम होते हैं, ऐसे में नए साल को लेकर और कोविड को लेकर किस तरह से तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में तो ये साफ किया था कि आने वाले जो फेस्टिवल है, चाहे क्रिसमस डे जो गुजर गया उसकी बात करें या फिर आने वाले नए वर्ष में लगातार जो पार्टियां होती हैं उन पर लेकर सरकार ने जो है गाइडलाइन जारी की है कि जो मतलब लोग जो है मास्क का प्रयोग करें और साथ ही जो गैदरिंग है उसको लेकर हालांकि कोई प्रतिबंध अभी नहीं लगाया गया है, लेकिन लोगों को जागरूक रहने की बात कही गई, लोगों को सोशल डिस्टेंस से बात कही गई, मास्क पहनने के लिए अनिवार्य किया गया, तो तमाम तरीके के जो नोटिफिकेशन है सरकार की तरफ से वो जारी किया गया। साथ ही आपको लखनऊ कमिश्नरेट की तरफ से ज्वाइंट कमिश्नर ने भी एक दिशा निर्देश लोगों को जारी किए हैं कि जो होटल है, रेस्टोरेंट है, तमाम जो गैदरिंग इलाके हैं वहां पर जो है लोग भीड़ भाड़ में जाने से बचे और लोग मास्क का जरूर प्रयोग करें। जी अवनीश, धन्यवाद आपको इस सर्वाधिक जानकारी के लिए। तो कोविड को लेकर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया, उनका यही कहना है कि सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है और सरकार की तरफ से कोविड को लेकर सभी तरह के प्रबंध पूरे किए जा चुके हैं।